हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के बारे में। राधेश्याम यह फिल्म 2022 में की भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्णा कुमार ने लिखा है और निर्देशित किया है। यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी हैं। 1970 के दशक की इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक वास्तव रेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उजलता हुआ होता है। फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस ने तैयार किया था, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने भी संगीत तैयार किया था। फिल्म में दो साउंडट्रैक है, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मलिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरण ने तेलुगु गाने तैयार किए। छायांकन मनोज परहंस ने संभाला और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसने लंदन में सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन स्क्रीन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधेश्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन के विशेष रूप से प्रभास और हेगड़े संगीत और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की और यह 214 करोड़ की कमाई और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। हालांकि 200 करोड़ से अधिक अपने विशाल बजट के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी और यह फिल्म अनुभवी अभिनेता कृष्णाम राजू की सितंबर 2022 में मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म थी और 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता और अस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने संत परहंस के शीर्ष आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा एक खूबसूरत और अनाड़ी युवा डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है, जब आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन पा सकता और जो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता, हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता हुआ उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा दीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं, और जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वह एक अजनबी से उसे अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज के साथ हथेली पढ़ने के अनुरोध करता, वह भविष्यवाणी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में सभी लोग अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम के बाद ट्रेन का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा जो अस्तरेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसके चाचा, जो एक डॉक्टर भी, बताते हैं प्रेरणा जब अब वो अपने जीवन के प्रति आशावान है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज के और
केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का परीक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल लेते हैं जो और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उसे उत्साहित प्रेरणा आदित्य का प्रफुज करती है और हालांकि वह यह उसे यह कलाकार अस्वीकार कर देता है। वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ और लग जाती है और उसे पता चलता है कि आदित्य उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बॉलरूम डांस में ले जाता और दोनों रातों को अंतरंगा से बिताते हैं और प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह सुरक्षा से एक कार दुर्घटना की शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य जो अपनी माँ का डांस शो के लिए लंदन में डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है और वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा उसमें से जीने का आग्रह करता है जिससे जल्द ही मिलने का वादा प्रेरणा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात तारा से होती है जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है और वह आदित्य से कहती है कि चूँकि अब उसके पास हथेली नहीं इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति के अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुँचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रफुज करता है और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य और प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है और कहानी की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलेटी ने की थी। उन्होंने अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने में विफल कराने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। कुमार ने एलएटी से कहानी उधार ली और कहानी संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक पर इस पर उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। कुमार शुरू में कहानी को भारत के किसी हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। रोमांटिक ड्रामा 1970 के दशक के यूरोप में घटित होता है और कुमार ने खुलासा किया कि नायक विक्रमादित्य चरित्र वास्तविक जीवन का यूरोपीय हस्तरेखाविद कीरो से प्रेरित है। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ लिया गया था। हेगड़े ने फिल्म को एक ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा है और अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है और जॉन और ओडियर सहित कई शीर्षकों पर फिल्म के लिए विचार किया गया था। राधे श्याम को अंतिम रूप देने से पहले जो हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच प्रेम का प्रतीक है। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद टूरिन और जॉर्जिया में हुआ था और जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में हैदराबाद में
फल्कुनुमा पैलेस में कई दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 के हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास एक विशेष दृश्य को वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकी का उपयोग करके भारत में शूट किया गया था। फिल्मांकन इसे 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ और इन्होंने इस फिल्म में यह फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम थे। हिंदी साउंड ट्रैक और मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित, जबकि जस्टिन प्रभाकरण तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्णकांत क्रमशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। राधेश्याम 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। लेकिन जनवरी की शुरुआत में यह वी क्रिएशंस ने घोषणा की कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया और फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थ्रिटिकल राइटर्स की बिक्री से 210 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस में किया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज़ ने कहा कि फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले अपने निर्माताओं को सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार से 200 करोड़ रुपये की भारी रकम दिलाई। फिल्म 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई और हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध थी। और उन्होंने इस फिल्म में यह समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 10% आलोचनात्मक की 20% समीक्षा सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 रही। डेकन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी और अभिनय विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्ति हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित स्थिति और DNA इंडिया और द इंडियन के एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक थी, जिसमें कहा गया कि लेखन और कथन की आलोचना की गई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया कि समीक्षा नकारात्मक थी और द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखती की और कैसे प्यार भाग्य को जीतता है। द न्यूज मिनट की समय राजेंद्रन ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी के साथ पसंद करने योग्य है, वे राधे श्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, जिनके नाम पर फिल्म का शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेटिंग दी और रेटिंग जोर लिखा कि पूजा को प्रभास के बीच की फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम कहानी में बाधा डालती है, VFX प्रशंसा के योग्य को और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में इफाजा करता। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की यह इसके आधार पर बहुत संभावना है, हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइनर के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। पिंकी विला के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी, रेटिंग जोर लिखा कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है लेकिन जब लेखन विफल हो जाता है तो वे हतोत्साहित तो देखते हैं। दमन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने नवीनता में कमी की थी और डेकन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और रेटिंग दी और लिखा कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधे श्याम को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। और NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच इस फिल्म में यह इनकी एक ऐसी पटकथा के साथ जोड़ा गया है जो उनके पैतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह देती है। अंतिम परिणाम भयावह है। और इंडिया हेराल्ड के सीबी जिया ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म का पहला भाग कलात्मक और दृश्य रूप से
आश्चर्यजनक है। दूसरा भाग सुंदरता था चेहरे पर धीमी और जटिलता भले फिल्म वास्तव में खराब नहीं है, फिर भी ऐसा लगा कि हमने अपने पैसा और समय बर्बाद किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास स्टारर हमें निकलने, हुक करने, लाइन करने और बहुत कुछ करने की उम्मीद करती है और हम लगातार अपने जबड़े फर्श से इकट्ठा कर रहे हैं। और द हिंदू की संगीता देवी टुंडू ने कहा कि उथली कहानी और निरस पटकथा राधेश्याम को एक बहुत बड़ा बोर बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म रोमांस गाने भी फीएक्स भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं है। न्यूज 18 के सोनील दोदिया ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो एक समय में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन में दुनिया भर में से कुल 79 करोड़ की कमाई की अधिक की और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपये हो गया। 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। पिंक विला के जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में करोड़ों की कमाई की और फिल्म के लिए करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माताओं ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के अनुसार फिल्म को दुनिया भर में अब तक का संग्रह करोड़ों रुपये के काफ़ी नीचे और फिल्म के पहले सोमवार पर या के साथ इसके साथ कलेक्शन में भारी गिरावट की गई थी। प्रभास का जन्म वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू का जन्म 23 अक्टूबर 1979 जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और 2015 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची में शामिल है। मीडिया में रिवील स्टार के रूप में संदर्भित वह 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 SIIME पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ड्रामा ईश्वर 2002 की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2014 जैसे अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने महाकाव्य एक्शन डलहौजी, बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सलार भगवान सीजफायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 1998 में 2024 के साथ करियर की वापसी की गई थी। प्रभास एकमात्र अभिनेता जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की, हुए एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी है जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का शुद्ध आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त प्रभास मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने के पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता में प्राप्त की। और प्रभास ने जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास में चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता उपलब्धि सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। 3 बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति व तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमारावरम के पास मंगलथूर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DNRI हाई स्कूल भीमारावम से की है। इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की व सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम से पूर्व छात्र भी है और
प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआती की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडल ब्रांड ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं। वह सुपरस्टार बनने वाले और कई उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 में अपनी सफलता हासिल की, जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। हुआ आबादी रगड़ू 2004 में दिखाई दी उसी वर्ष से, जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रभास ने उसी वर्ष SS राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। यह एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 94 केंद्रों पर 100 दिनों तक चली। idolbrand.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया, जिसे मिश्रित से लेकर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों ने के प्रदर्शन के लिए सर्व प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना के अभिनय। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के बारे में। राधेश्याम यह फिल्म 2022 में की भारतीय प्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्णा कुमार ने लिखा और निर्देशित किया। यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी है। 1970 के दशक की इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक वास्तव रेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उजलता हुआ होता है। फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस ने तैयार किया था, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने भी संगीत तैयार किया था। फिल्म में दो साउंडट्रैक है, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मलिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरण ने तेलुगु गाने तैयार किए। छायांकन मनोज परहंस ने संभाला और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसने लंदन में सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन स्क्रीन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधेश्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन के विशेष रूप से प्रभास और हेगड़े संगीत और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की और यह 214 करोड़ की कमाई और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। हालांकि 200 करोड़ से अधिक अपने विशाल बजट के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी और यह फिल्म अनुभवी अभिनेता कृष्णाम राजू की सितंबर 2022 में मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म थी और 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता और अस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने संत परहंस के शीर्ष आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा एक खूबसूरत और अनाड़ी हुआ डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है, जब आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन पा सकता और जो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता हुआ उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है।
और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा दीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं, और जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वह एक अजनबी से उसे अपनी बेटी तारा जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज के साथ हथेली पढ़ने के अनुरोध करता, वह भविष्यवाणी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में सभी लोग अपने हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम के बाद ट्रेन का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा जो अस्तर रेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी बताते हैं। प्रेरणा जब अब वो अपने जीवन के प्रति आशावान है, दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज के है और केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का प्रशिक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल लेते हैं जो और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उसे उत्साहित प्रेरणा आदित्य का प्रपोज करती है, और हालांकि वह यह उसे यह कलाकार अस्वीकार कर देता है। वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ और लग जाती है और उसे पता चलता है कि आदित्य उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बॉलरूम डांस में ले जाता और दोनों रातों को अंतरंगा से बिताते हैं। और प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह सुरक्षा से एक कार दुर्घटना की शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य जो अपनी माँ का डांस शो के लिए लंदन में डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है और वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा उसमें से जीने का आग्रह करता है जिससे जल्द ही मिलने का वादा प्रेरणा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात तारा से होती है जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। वह आदित्य से कहती है कि चूंकि अब उसके पास हथेली नहीं इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति के अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुँचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता है और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य और प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है। और कहानी की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलेटी ने की थी। उन्होंने अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने में विफल कराने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। कुमार ने एलएटी से कहानी उधार ली और कहानी संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक पर इस पर उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। कुमार शुरू में कहानी को भारत के किसी हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव
के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। रोमांटिक ड्रामा 1970 के दशक के यूरोप में घटित होता है और कुमार ने खुलासा किया कि नायक के विक्रमादित्य चरित्र वास्तविक जीवन का यूरोपीय हस्तरेखाविद कीरो से प्रेरित है। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ लिया गया था। हेगड़े ने फिल्म को एक ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा है और अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। और जॉन और ओडियर सहित कई शीर्षकों पर फिल्म के लिए विचार किया गया था। राधे श्याम को अंतिम रूप देने से पहले, जो हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच प्रेम का प्रतीक है। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद, टूरिन और जॉर्जिया में हुआ था, और जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फल्कनुमा प्लेस में कई दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 के हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास एक विशेष दृश्य को वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकी का उपयोग करके भारत में शूट किया गया था। फिल्मांकन इसे 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ और इन्होंने इस फिल्म में यह फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम थे। हिंदी साउंड ट्रैक और मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित, जबकि जस्टिन प्रभाकरन तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्णकांत क्रमशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। राधेश्याम 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी, लेकिन जनवरी की शुरुआत में यह वी क्रिएशंस ने घोषणा की कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया। और फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थ्रिटिकल राइटर्स की बिक्री से 210 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस में किया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले अपने निर्माताओं को सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार से 200 करोड़ रुपये की भारी रकम दिलाई। फिल्म 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई और हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध थी। और उन्होंने इस फिल्म में यह समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 10% आलोचनात्मक की 20% समीक्षा सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 रही। डेकन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी और अभिनय विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्ति हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित थी और DNA इंडिया और द इंडियन के एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक थी, जिसमें कहा गया कि लेखन और कथन की आलोचना की गई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया कि समीक्षा नकारात्मक थी और द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखती की और कैसे प्यार भाग्य को जीतता है। द न्यूज मिनट की समय राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी के साथ पसंद करने योग्य है, वे राधे श्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, जिनके नाम पर फिल्म का शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेटिंग दी और रेटिंग जोर लिखा कि पूजा को प्रभास के बीच की फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम कहानी में बाधा डालती है। VFX प्रशंसा के योग्य को और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में इफाजा करता। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को
में से 3 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की यह इसके आधार पर बहुत संभावनाएं। हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइनर के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। पिंकी विला के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी। रेटिंग जोर लिखा कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है, लेकिन जब लेखन विफल हो जाता है तो वे हतोत्साहित तो देखते हैं। दमन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने नवीनता में कमी की थी और डेकन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और रेटिंग दी और लिखा कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधे श्याम को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। और NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच इस फिल्म में यह इनकी एक ऐसी पटकथा के साथ जोड़ा गया है जो उनके पैतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह देती है। अंतिम परिणाम भयावह है। और इंडिया हेराल्ड के सीबी जिया ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म का पहला भाग कलात्मक और दृश्य रूप से आश्चर्यजनक है, दूसरा भाग सुंदरता चेहरे पर धीमी और जटिलता भले। फिल्म वास्तव में खराब नहीं है, फिर भी ऐसा लगा कि हमने अपने पैसा और समय बर्बाद किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास स्टारर हमें निकलने, हुक करने, लाइन करने और बहुत कुछ करने की उम्मीद करती है और हम लगातार अपने जबड़े फर्श से इकट्ठा कर रहे हैं। और द हिंदू की संगीता देवी टुंडू ने कहा कि उथली कहानी और निरस पटकथा राधेश्याम को एक बहुत बड़ा बोर बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म रोमांस गाने भी फीएक्स भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं है। News 18 के सोनील दोदिया ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो एक समय में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन में दुनिया भर में से कुल 79 करोड़ की कमाई की अधिक की और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपये हो गया। 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। पिंक विला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में करोड़ों की कमाई की और फिल्म के लिए करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माताओं ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के अनुसार फिल्म को दुनिया भर में अब तक का संग्रह करोड़ों रुपये के काफ़ी नीचे और फिल्म के पहले सोमवार पर यह के साथ इसके साथ कलेक्शन में भारी गिरावट की गई थी। प्रभास का जन्म वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू का जन्म 23 अक्टूबर 1979 जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और 2015 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची में शामिल है। मीडिया में रिवील स्टार के रूप में संदर्भित हुआ 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 SIIME पुरस्कार प्राप्त की कर चुके हैं। प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ड्रामा ईश्वर 2002 की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2014 जैसे अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने महाकाव्य एक्शन डलहौजी, बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सलार भगवान सीजफायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 1998 में 2024 के साथ करियर की वापसी की गई थी। प्रभास एकमात्र अभिनेता जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की, हुए एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी है जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का शुद्ध आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त प्रभास मैडम तुसाद संग्रहालय में मऊ की मूर्ति प्राप्त करने के पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता में प्राप्त की और
प्रभास ने जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास में चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता उपलब्धि सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। तीन बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोल और बड़ी बहन प्रगति व तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमारावरम के पास मंगलथूर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DNRI हाई स्कूल भीमारावम से की है। इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की व सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम से पूर्व छात्र भी है। और प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआत की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडल ब्रांड ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं। वह सुपरस्टार बनने वाले और कई उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 में अपनी सफलता हासिल की, जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। हुआ आबादी रगड़ु 2004 में दिखाई दी उसी वर्ष से, जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रभास ने उसी वर्ष SS राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। यह एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 54 केंद्रों पर 100 दिनों तक चली। idolbrand.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया जिसे मिश्रित से लेकर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों ने के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना के अभिनय की। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के बारे में। राधेश्याम यह फिल्म 2022 में की भारतीय प्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्णा कुमार ने लिखा और निर्देशित किया। यूवी क्रिएशन सोरटी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी है। 1970 के दशक की इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक वास्तव रेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उजलता हुआ होता है। फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस ने तैयार किया था, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने भी संगीत तैयार किया था। फिल्म में दो साउंड ट्रैक है, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मलिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरण ने तेलुगु गाने तैयार किए। छायांकन मनोज परहंस ने संभाला और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसने लंदन समय सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन स्क्रीन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधेश्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन के विशेष रूप से प्रभास और हेगड़े संगीत और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की और यह 214 करोड़ की कमाई और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। हालांकि 200 करोड़ से अधिक अपने विशाल बजट के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी और यह फिल्म अनुभवी अभिनेता कृष्णम राजू की सितंबर 2022 में मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म थी और 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता और अस्त्र रेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने वाले संत
और जाने जाने संत परहंस के शिष्य आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा एक खूबसूरत और अनाड़ी हुआ डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है। जब आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन पा सकता और जो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता, हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता हुआ उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा दीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं, और जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वह एक अजनबी से उसे अपनी बेटी तारा जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज के साथ हथेली पढ़ने के अनुरोध करता, वह भविष्यवाणी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में सभी लोग अपने हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम के बाद ट्रेन का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी बताते हैं। प्रेरणा जब अब वो अपने जीवन के प्रति आशावान है, दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज के और केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का प्रशिक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल लेते हैं जो और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उसे उत्साहित प्रेरणा आदित्य का प्रपोज करती है, और हालांकि वह यह उसे यह कलाकार अस्वीकार कर देता है। वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ और लग जाती है और उसे पता चलता है कि आदित्य उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बॉलरूम डांस में ले जाता और दोनों रातों को अंतरंगता से बिताते हैं। और प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह सुरक्षा से एक कार दुर्घटना की शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य जो अपनी माँ का डांस शो के लिए लंदन में डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है और वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा उसमें से जीने का आग्रह करता है जिससे जल्द ही मिलने का वादा प्रेरणा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता तो उसकी मुलाकात तारा से होती है जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। वह आदित्य से कहती है कि चूंकि अब उसके पास हथेली नहीं इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति के अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुँचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है।
आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य और प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है। और कहानी की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलेटी ने की थी। उन्होंने अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल कराने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। कुमार ने एलेटी से कहानी उधार ली और कहानी संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक पर इस पर उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। कुमार शुरू में कहानी को भारत के किसी हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। रोमांटिक ड्रामा 1970 के दशक के यूरोप में घटित होता है और कुमार ने खुलासा किया कि नायक के विक्रमादित्य चरित्र वास्तविक जीवन का यूरोपीय हस्तरेखाविद कीरो से प्रेरित है। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ लिया गया था। हेगड़े ने फिल्म को एक ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा है और अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। और जॉन और ओडियर सहित कई शीर्षकों पर फिल्म के लिए विचार किया गया था। राधे श्याम को अंतिम रूप देने से पहले, जो हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच प्रेम का प्रतीक है, फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद, टूरिन और जॉर्जिया में हुआ था, और जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फल्कनुमा प्लेस में कई दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 के हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास एक विशेष दृश्य को वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकी का उपयोग करके भारत में शूट किया गया था। फिल्मांकन इसे 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ और इन्होंने इस फिल्म में यह फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम थे। हिंदी साउंड ट्रैक और मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित, जबकि जस्टिन प्रभाकरण तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्णकांत क्रमशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। राधेश्याम 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी, लेकिन जनवरी की शुरुआत में यह वी क्रिएशंस ने घोषणा की कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया। और फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थ्रिटिकल राइटर्स की बिक्री से 210 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस में किया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले अपने निर्माताओं को सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार से 200 करोड़ रुपये की भारी रकम दिलाई। फिल्म 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई और हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध थी। और उन्होंने इस फिल्म में यह समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 10% आलोचनात्मक की 20% समीक्षा सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 रही। डेकन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी और अभिनय विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्ति हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित थी और DNA इंडिया और द इंडियन के एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक थी।
जिसमें कहा गया कि लेखन और कथन की आलोचना की गई थी, और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया कि समीक्षा नकारात्मक थी, और द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखती कि और किसी प्यार भाग्य को जीतता है। द न्यूज मिनट की समय राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी के साथ पसंद करने योग्य है, वे राधे श्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, जिनके नाम पर फिल्म का शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि पूजा को प्रभास के बीच की फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम कहानी में बाधा डालती है, वीएफएक्स प्रशंसा के योग्य को और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में इफाजा करता। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की यह इसके आधार पर बहुत संभावनाएं, हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइनर के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। पिंकी विला के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी, रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है, लेकिन जब लेखन विफल हो जाता है तो वे हतोत्साहित तो देखते हैं। दमन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने नवीनता में कमी की थी और डेकन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और रेटिंग दी और लिखा कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधे श्याम को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। और NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच इस फिल्म में यह इनकी एक ऐसी पटकथा के साथ जोड़ा गया जो उनके पैतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह देती है। अंतिम परिणाम भयावह है और इंडिया हेराल्ड के सीबी जिया ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म का पहला भाग कलात्मक और दृश्य रूप से आश्चर्यजनक है, दूसरा भाग सुंदरता था चेहरे पर धीमी और जटिलता भले फिल्म वास्तव में खराब नहीं है, फिर भी ऐसा लगा कि हमने अपने पैसा और समय बर्बाद किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास स्टारर हमें निकलने, हुक करने, लाइन करने और बहुत कुछ करने की उम्मीद करती है और हम लगातार अपने जबड़े फर्श से इकट्ठा कर रहे हैं। और द हिंदू की संगीता देवी टुंडू ने कहा कि उथली कहानी और निरस पटकथा राधेश्याम को एक बहुत बड़ा बोर बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म रोमांस गाने भी फेक्स भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं। News 18 के सोनील दोदिया ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो एक समय में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन में दुनिया भर में से कुल 79 करोड़ की कमाई की अधिक की और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपये हो गया। 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। पिंकविला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में करोड़ों की कमाई की और फिल्म के लिए करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माताओं ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के अनुसार फिल्म का दुनिया भर में अब तक का संग्रह करोड़ों रुपये के काफ़ी नीचे और फिल्म के पहले सोमवार पर या के साथ इसके साथ कलेक्शन में भारी गिरावट की गई थी। प्रभास का जन्म वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू का जन्म 23 अक्टूबर 1979 जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और 2015 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची में शामिल है। मीडिया में रिवील स्टार के रूप में सर्वित वह 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 SIIMA पुरस्कार प्राप्त की कर चुके हैं।
प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ड्रामा ईश्वर 2002 की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2014 जैसी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने महाकाव्य एक्शन डलहौजी, बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली टू द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सलार भगवान, सेज फायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 1998 में 2024 के साथ करियर की वापसी की गई थी। प्रभास एकमात्र अभिनेता जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की, हुए एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी है जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का शुद्ध आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त प्रभास मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने के पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता में प्राप्त की। और प्रभास ने जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास में चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता उपलब्धि सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। 3 बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति व तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमारावरम के पास मंगलथूर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DNRI हाई स्कूल भीमारावम से की है। इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की व सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम से पूर्व छात्र भी है। और प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआत की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडल ब्रांड ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं, वह सुपरस्टार बनने वाले और कई उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 में अपनी सफलता हासिल की, जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। हुआ आबादी रगड़ु 2004 में दिखाई दी उसी वर्ष से, जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रभास ने उसी वर्ष से SS राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। यह एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 54 केंद्रों पर 100 दिनों तक चली। idolbrand.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया, जिसे मिश्रित से लेकर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों ने के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना के अभिनय। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के बारे में। राधेश्याम यह फिल्म 2022 में की भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्णा कुमार ने लिखा और निर्देशित किया। यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी है। 1970 के दशक की इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक वास्तव रेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उजलता हुआ होता है। फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस ने तैयार किया था, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने भी संगीत तैयार किया था। फिल्म में 2 साउंडट्रैक है, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मलिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरण ने तेलुगु गाने तैयार किए। छायांकन मनोज परहंस ने संभाला और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसने लंदन समय सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन स्क्रीन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया।
मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधेश्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन के विशेष रूप से प्रभास और हेगड़े संगीत और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की और यह 214 करोड़ की कमाई और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। हालांकि 200 करोड़ से अधिक अपने विशाल बजट के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी और यह फिल्म अनुभवी अभिनेता कृष्णाम राजू की सितंबर 2022 में मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म थी और 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता और अस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने संत परहंस के शीर्ष आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा एक खूबसूरत और अनाड़ी युवा डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है। जब आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन पा सकता और जो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता हुआ उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा दीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं और जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वह एक अजनबी से उसे अपनी बेटी तारा जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज के साथ हथेली पढ़ने के अनुरोध करता है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में सभी लोग अपने हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम के बाद ट्रेन का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा जो अस्तरेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी बताते हैं। प्रेरणा जब अब वो अपने जीवन के प्रति आशावान है, दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज के और केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का प्रशिक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल लेते हैं जो और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उसे उत्साहित प्रेरणा आदित्य का प्रपोज करती है और हालांकि वह यह कलाकार अस्वीकार कर देता है। वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ और लग जाती है और उसे पता चलता है कि आदित्य उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बॉलरूम डांस में ले जाता और दोनों रातों को अंतरंगता से बिताते हैं और प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह सुरक्षा से एक कार दुर्घटना की शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य जो अपनी माँ का डांस शो के लिए लंदन में डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है और वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा उसमें से जीने का आग्रह करता है जिससे जल्द ही मिलने का वादा प्रेरणा
करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात तारा से होती है, जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। वह आदित्य से कहती है कि चूंकि अब उसके पास हथेली नहीं, इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है, जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति के अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुँचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य और प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है और कहानी की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलेटी ने की थी। उन्होंने अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने में विफल कराने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। कुमार ने एलएटी से कहानी उधार ली और कहानी संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक पर इस पर उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। कुमार शुरू में कहानी को भारत के किसी हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। रोमांटिक ड्रामा 1970 के दशक के यूरोप में घटित होता है और कुमार ने खुलासा किया कि नायक विक्रमादित्य चरित्र वास्तविक जीवन का यूरोपीय हस्तरेखाविद कीरो से प्रेरित है। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ लिया गया था। हेगड़े ने फिल्म को एक ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा है और अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। और जॉन और ओडियर सहित कई शीर्षकों पर फिल्म के लिए विचार किया गया था। राधे श्याम को अंतिम रूप देने से पहले, जो हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच प्रेम का प्रतीक है। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद, टूरिन और जॉर्जिया में हुआ था, और जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फल्कनुमा प्लेस में कई दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 के हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास एक विशेष दृश्य को वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकी का उपयोग करके भारत में शूट किया गया था। फिल्मांकन इसे 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ और इन्होंने इस फिल्म में यह फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम थे। हिंदी साउंड ट्रैक और मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित, जबकि जस्टिन प्रभाकरण तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्णकांत क्रमशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। राधेश्याम 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। लेकिन जनवरी की शुरुआत में यह वी क्रिएशंस ने घोषणा की कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया और फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थ्रिटिकल राइटर्स की बिक्री से 210 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस में किया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट
एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले अपने निर्माताओं को सेटेलाइट और डिजिटल अधिकार से 200 करोड़ रुपये की भारी रकम दिलाई। फिल्म 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई और हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध थी। और उन्होंने इस फिल्म में समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 10% आलोचनात्मक की 20% समीक्षा सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 रही। डेकन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी और अभिनय विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्ति हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित थी और DNA इंडिया और द इंडियन के एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक थी, जिसमें कहा गया कि लेखन और कथन की आलोचना की गई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया कि समीक्षा नकारात्मक थी और द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखती की और किसी प्यार भाग्य को जीतता है। द न्यूज मिनट की समय राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी के साथ पसंद करने योग्य है, वे राधे श्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, जिनके नाम पर फिल्म का शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेटिंग दी और रेटिंग जोर लिखा कि पूजा को प्रभास के बीच की फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम कहानी में बाधा डालती है, VFX प्रशंसा के योग्य को और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में इफाजा करता। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की यह इसके आधार पर बहुत संभावनाएं, हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइनर के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। पिंकी विला के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी, रेटिंग जोर लिखा कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है लेकिन जब लेखन विफल हो जाता है तो वे हतोत्साहित तो देखते हैं। दमन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने नवीनता में कमी की थी और डेकन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और रेटिंग दी और लिखा कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधे श्याम को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। और NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच इस फिल्म में यह इनकी एक ऐसी पटकथा के साथ जोड़ा गया है जो उनके पैतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह देती है। अंतिम परिणाम भयावह है। और इंडिया हेराल्ड के CB जिया ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म का पहला भाग कलात्मक और दृश्य रूप से आश्चर्यजनक है, दूसरा भाग सुंदरता था चेहरे पर धीमी और जटिलता भले फिल्म वास्तव में खराब नहीं है फिर भी ऐसा लगा कि हमने अपने पैसा और समय बर्बाद किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास स्टारर हमें निकलने, हुक करने, लाइन करने और बहुत कुछ करने की उम्मीद करती है और हम लगातार अपने जबड़े फर्श से इकट्ठा कर रहे हैं। और द हिंदू की संगीता देवी टुंडू ने कहा कि उथली कहानी और निरस पटकथा राधेश्याम को एक बहुत बड़ा बोर बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म रोमांस गाने भी VFX भव्य आउटडोर से भरी हुई है लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं। News 18 के सोनील दोदिया ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो एक समय में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन में दुनिया भर में से कुल 79 करोड़ की कमाई की अधिक की और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपये हो गया। 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। पिंकविला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में करोड़ों की कमाई की और फिल्म के लिए करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माताओं ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के
अनुसार फिल्म का दुनिया भर में अब तक का संग्रह करोड़ों रुपए के काफ़ी नीचे और फिल्म के पहले सोमवार पर यह के साथ इसके साथ कलेक्शन में भारी गिरावट की गई थी। प्रभास का जन्म वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू का जन्म 23 अक्टूबर 1979 जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और 2015 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची में शामिल है। मीडिया में रिवील स्टार के रूप में संदर्भित वह 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 SIIME पुरस्कार प्राप्त की कर चुके हैं। प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ड्रामा ईश्वर 2002 की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2013 जैसे अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने महाकाव्य एक्शन डलहौजी, बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली टू द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सलार भगवान, सेज फायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 1998 में 2024 के साथ करियर की वापसी की गई थी। प्रभास एकमात्र अभिनेता जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की, हुए एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी है जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का शुद्ध आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त प्रभास मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने के पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता में प्राप्त की। और प्रभास ने जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास में चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता उपलब्धि सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। 3 बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति व तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमारावरम के पास मंगलथूर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DNRI हाई स्कूल भीमारावम से की है। इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की व सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम से पूर्व छात्र भी है। और प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआत की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडल ब्रांड ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं, वह सुपरस्टार बनने वाले और कई उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 में अपनी सफलता हासिल की जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। हुआ आबादी रगड़ु 2004 में दिखाई दी उसी वर्ष से, जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रभास ने उसी वर्ष से SS राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। यह एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 94 केंद्रों पर 100 दिनों तक चली। idolbrand.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया जिसे मिश्रित से लेकर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों ने के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना के अभिनय। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के बारे में। राधेश्याम यह फिल्म 2022 में की भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्णा कुमार ने लिखा और निर्देशित किया। यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी है। 1970 के दशक की इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक युवा स्तर रेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उजलता हुआ होता है।
फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस ने तैयार किया था, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने भी संगीत तैयार किया था। फिल्म में दो साउंडट्रैक है, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मलिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरण ने तेलुगु गाने तैयार किए। छायांकन मनोज परहंस ने संभाला और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसने लंदन समय सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन स्क्रीन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधेश्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन के विशेष रूप से प्रभास और हेगड़े संगीत और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की और यह 214 करोड़ की कमाई और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। हालांकि 200 करोड़ से अधिक अपने विशाल बजट के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी और यह फिल्म अनुभवी अभिनेता कृष्णाम राजू की सितंबर 2022 में मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म थी और 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता और अस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने संत परहंस के शीर्ष आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा एक खूबसूरत और अनाड़ी युवा डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है। जब आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन पा सकता और जो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती है और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता हुआ उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा दीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं और जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वह एक अजनबी से उसे अपनी बेटी तारा जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज के साथ हथेली पढ़ने के अनुरोध करता, वह भविष्यवाणी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में सभी लोग अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम के बाद ट्रेन का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा जो अस्तरेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी बताते हैं। प्रेरणा जब अब वो अपने जीवन के प्रति आशावान है, दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज के और केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का प्रशिक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल लेते हैं जो और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उसे उत्साहित प्रेरणा आदित्य का प्रपोज करती है और हालांकि वह यह कलाकार अस्वीकार कर देता है। वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश
होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ और लग जाती है और उसे पता चलता है कि आदित्य उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बॉलरूम डांस में ले जाता है और दोनों रातों को अंतरंगा से बिताते हैं। और प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह सुरक्षा से एक कार दुर्घटना की शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य जो अपनी माँ का डांस शो के लिए लंदन में डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है और वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा उसमें से जीने का आग्रह करता है, जिससे जल्द ही मिलने का वादा प्रेरणा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता तो उसकी मुलाकात तारा से होती है, जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। और वह आदित्य से कहती है कि चूंकि अब उसके पास हथेली नहीं, इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है, जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति के अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुँचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य और प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है। और कहानी की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलेटी ने की थी। उन्होंने अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने में विफल कराने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। कुमार ने एलएटी से कहानी उधार ली और कहानी संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक पर इस पर उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। कुमार शुरू में कहानी को भारत के किसी हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। रोमांटिक ड्रामा 1970 के दशक के यूरोप में घटित होता है और कुमार ने खुलासा किया कि नायक के विक्रमादित्य चरित्र वास्तविक जीवन का यूरोपीय हस्तरेखाविद कीरो से प्रेरित है। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ लिया गया था। हेगड़े ने फिल्म को एक ताज़ा और परफेक्ट को प्रेम कहानी कहा है और अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। और जॉन और ओडियर सहित कई शीर्षकों पर फिल्म के लिए विचार किया गया था। राधे श्याम को अंतिम रूप देने से पहले, जो हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच प्रेम का प्रतीक है। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद, टूरिन और जॉर्जिया में हुआ था, और जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फल्कनुमा प्लेस में कई दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 के हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास एक विशेष दृश्य को वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकी का उपयोग करके भारत में शूट किया गया था। फिल्मांकन इसे 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ और इन्होंने इस फिल्म में यह फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम थे। हिंदी साउंड ट्रैक और मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित, जबकि जस्टिन प्रभाकरण तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्णकांत कर्मशः हिंदी और तेलुगु
साउंडट्रैक के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। राधेश्याम 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि भारत में COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और बाद में July 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। लेकिन जनवरी की शुरुआत में यह वीक रिएक्शंस ने घोषणा की कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया और फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थ्रिटिकल राइटर्स की बिक्री से 210 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस में किया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले अपने निर्माताओं को सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार से 200 करोड़ रुपये की भारी रकम दिलाई। फिल्म 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई और हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध थी। और उन्होंने इस फिल्म में समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 10% आलोचनात्मक की 20% समीक्षा सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 रही। डेकन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी और अभिनय विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्ति हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित थी और DNA इंडिया और द इंडियन के एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक थी, जिसमें कहा गया कि लेखन और कथन की आलोचना की गई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया कि समीक्षा नकारात्मक थी और द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखती की और किसी प्यार भाग्य को जीतता है। द न्यूज मिनट की समय राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी के साथ पसंद करने योग्य है, वे राधे श्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, जिनके नाम पर फिल्म का शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेटिंग दी और रेटिंग जोड़ लिखा कि पूजा को प्रभास के बीच की फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम कहानी में बाधा डालती है, VFX प्रशंसा के योग्य को और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में इफाजा करता। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की यह इसके आधार पर बहुत संभावनाएं, हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइनर के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। पिंकी विला के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी, रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है, लेकिन जब लेखन विफल हो जाता है तो वे हतोत्साहित तो देखते हैं। दमन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने नवीनता में कमी की थी और डेकन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और रेटिंग दी और लिखा कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधे श्याम को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। और NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच इस फिल्म में यह इनकी एक ऐसी पटकथा के साथ जोड़ा गया है जो उनके पैतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह देती है। अंतिम परिणाम भयावह है। और इंडिया हेराल्ड के सीबी जिया ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म का पहला भाग कलात्मक और दृश्य रूप से आश्चर्यजनक है, दूसरा भाग सुंदरता था चेहरे पर धीमी और जटिलता भले फिल्म वास्तव में खराब नहीं है, फिर भी ऐसा लगा कि हमने अपने पैसा और समय बर्बाद किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास स्टारर हमें निकलने, हुक करने, लाइन करने और बहुत कुछ करने की उम्मीद करती है और हम लगातार अपने जबड़े फर्श से इकट्ठा कर रहे हैं। और द हिंदू की संगीता देवी टुंडू ने कहा कि उथली कहानी और निरस पटकथा राधेश्याम को एक बहुत बड़ा
बवोर बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म रोमांस गाने भी फेक्स भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं। न्यूज 18 के सोनील दोदिया ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो एक समय में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन में दुनिया भर में से कुल 79 करोड़ की कमाई की अधिक की, और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपये हो गया। 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। पिंकविला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में करोड़ों की कमाई की और फिल्म के लिए करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माताओं ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के अनुसार फिल्म का दुनिया भर में अब तक का संग्रह करोड़ों रुपये के काफ़ी नीचे, और फिल्म के पहले सोमवार पर या के साथ इसके साथ कलेक्शन में भारी गिरावट की गई थी। प्रभास का जन्म वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू का जन्म 23 अक्टूबर 1979 जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और 2015 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची में शामिल है। मीडिया में रिवील स्टार के रूप में सर्वित वह 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 SIIME पुरस्कार प्राप्त की कर चुके हैं। प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ड्रामा ईश्वर 2002 की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2014 जैसे अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने महाकाव्य एक्शन डॉलोजी बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सलार भगवान सीजफायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 1998 में 2024 के साथ करियर की वापसी की गई थी। प्रभास एकमात्र अभिनेता जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की, हुए एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी है जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का शुद्ध आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त प्रभास मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने के पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता में प्राप्त की। और प्रभास ने जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास में चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता उपलब्धि सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। 3 बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति व तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमारावरम के पास मंगलथूर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DNRI हाई स्कूल भीमारावम से की है। इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की व सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम से पूर्व छात्र भी है। और प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआत की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडल ब्रांड ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं। वह सुपरस्टार बनने वाले और कई उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 में अपनी सफलता हासिल की जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। हुआ आबादी रगड़ु 2004 में दिखाई दी उसी वर्ष से, जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रभास ने उसी वर्ष से SS राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 54 केंद्रों पर 100 दिनों
तक चली। आइडलब्रेन.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया, जिसे मिश्रित से लेकर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों ने के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना के अभिनय की। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के बारे में। राधेश्याम यह फिल्म 2022 में की भारतीय प्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्णा कुमार ने लिखा और निर्देशित किया। यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी हैं। 1970 के दशक की इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक युवा स्तर रेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उजलता हुआ होता है। फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस ने तैयार किया था, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने भी संगीत तैयार किया था। फिल्म में दो साउंडट्रैक है, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मलिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरण ने तेलुगु गाने तैयार किए। छायांकन मनोज परहंस ने संभाला और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसने लंदन समय सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन स्क्रीन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधेश्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन के विशेष रूप से प्रभास और हेगड़े संगीत और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की और यह 214 करोड़ की कमाई और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। हालांकि 200 करोड़ से अधिक अपने विशाल बजट के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी और यह फिल्म अनुभवी अभिनेता कृष्णाम राजू की सितंबर 2022 में मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म थी और 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता और अस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने संत परहंस के शीर्ष आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा एक खूबसूरत और अनाड़ी युवा डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं और लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है, जब आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन पा सकता और जो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती है और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता हुआ उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा दीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं, और जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वह एक अजनबी से उसे अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज के साथ हथेली पढ़ने के अनुरोध करता, वह भविष्यवाणी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में सभी लोग अपने हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ ही। उस शाम को बाद ट्रेन का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा
जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू कर देती है। आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी बताते हैं। प्रेरणा जब अब वो अपने जीवन के प्रति आशावान है, दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज के और केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का प्रशिक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल देते हैं जो और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उसे उत्साहित प्रेरणा आदित्य का प्रपोज करती है, और हालांकि वह यह उसे यह कलाकार अस्वीकार कर देता है। वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ और लग जाती है और उसे पता चलता है कि आदित्य उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बॉलरूम डांस में ले जाता है और दोनों रातों को अंतरंगता से बिताते हैं। और प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह सुरक्षा से एक कार दुर्घटना की शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य जो अपनी माँ का डांस शो के लिए लंदन में डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है और वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा उसमें से जीने का आग्रह करता है, जिससे जल्द ही मिलने का वादा प्रेरणा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात तारा से होती है, जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। और वह आदित्य से कहती है कि चूंकि अब उसके पास हथेली नहीं है, इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है, जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति के अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है, जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुँचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता है और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य और प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है। और कहानी की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलेटी ने की थी। उन्होंने अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने में विफल कराने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। कुमार ने एलएटी से कहानी उधार ली और कहानी संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक पर इस पर उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। कुमार शुरू में कहानी को भारत के किसी हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। रोमांटिक ड्रामा 1970 के दशक के यूरोप में घटित होता है और कुमार ने खुलासा किया कि नायक के विक्रमादित्य चरित्र वास्तविक जीवन का यूरोपीय हस्तरेखाविद कीरो से प्रेरित है। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ लिया गया था। हेगड़े ने फिल्म को एक ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा है और अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। और जॉन और ओडियर सहित कई शीर्षकों पर फिल्म के लिए विचार किया गया था। राधे श्याम को अंतिम रूप देने से पहले, जो हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच प्रेम का प्रतीक है,
फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद, टूरिन और जॉर्जिया में हुआ था, और जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था, और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ, और दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फल्कनुमा प्लेस में कई दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 के हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रवास एक विशेष दृश्य को वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकी का उपयोग करके भारत में शूट किया गया था। फिल्मांकन इसे 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ, और इन्होंने इस फिल्म में यह फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम थे। हिंदी साउंड ट्रैक और मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित, जबकि जस्टिन प्रभाकरण तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्णकांत कर्मशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। राधेश्याम 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, और बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। लेकिन जनवरी की शुरुआत में यह वीक रिएशंस ने घोषणा की कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया, और फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थ्रिटिकल राइटर्स की बिक्री से 210 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस में किया गया था। फिल्म के सेटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले अपने निर्माताओं को सेटेलाइट और डिजिटल अधिकार से 200 करोड़ रुपये की भारी रकम दिलाई। फिल्म 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई, और हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध थी। और उन्होंने इस फिल्म में समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10% आलोचनात्मक की 20% समीक्षा सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 रही। डेकन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी, और अभिनय विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्ति हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित थी, और DNA इंडिया और द इंडियन के एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक थी, जिसमें कहा गया कि लेखन और कथन की आलोचना की गई थी, और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया कि समीक्षा नकारात्मक थी, और द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखती की और कैसे प्यार भाग्य को जीतता है। द न्यूज मिनट की समय राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी के साथ पसंद करने योग्य है, वे राधे श्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, जिनके नाम पर फिल्म का शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेटिंग दी और रेटिंग जोड़ लिखा कि पूजा को प्रभास के बीच की फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम कहानी में बाधा डालती है, VFX प्रशंसा के योग्य को और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में इफाजा करता। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की यह इसके आधार पर बहुत संभावनाएं, हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइनर के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। पिंकी विला के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी, रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है, लेकिन जब लेखन विफल हो जाता है तो वे हतोत्साहित तो देखते हैं। दमन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने नवीनता में कमी की थी और डेकन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और रेटिंग दी और लिखा कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधे श्याम को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। और NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच इस फिल्म में यह इनकी एक ऐसी पटकथा के साथ जोड़ा गया है जो उनके पैतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह देती है।
अंतिम परिणाम भयावह है और इंडिया हेराल्ड के सीबी जिया ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म का पहला भाग कलात्मक और दृश्य रूप से आश्चर्यजनक है, दूसरा भाग सुंदरता चेहरे पर धीमी और जटिलता भली। फिल्म वास्तव में खराब नहीं है, फिर भी ऐसा लगा कि हमने अपने पैसा और समय बर्बाद किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रवास स्टारर हमें निकलने, हुक करने, लाइन करने और बहुत कुछ करने की उम्मीद करती है और हम लगातार अपने जबड़े फर्श से इकट्ठा कर रहे हैं। और द हिंदू की संगीता देवी टुंडू ने कहा कि उथली कहानी और निरस पटकथा राधेश्याम को एक बहुत बड़ा बोर बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म रोमांस गाने भी फेक्स भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं। News 18 के सोनील दोदिया ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो एक समय में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन में दुनिया भर में से कुल 79 करोड़ की कमाई की अधिक की और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपये हो गया। 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। पिंकविला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में करोड़ों की कमाई की और फिल्म के लिए करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माताओं ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के अनुसार फिल्म को दुनिया भर में अब तक का संग्रह करोड़ों रुपये के काफ़ी नीचे और फिल्म के पहले सोमवार पर या के साथ इसके साथ कलेक्शन में भारी गिरावट की गई थी। प्रभास का जन्म वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू का जन्म 23 अक्टूबर 1979 जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और 2015 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सह सूची में शामिल है। मीडिया में रिवील स्टार के रूप में संदर्भित वह 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 SIIMA पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ड्रामा ईश्वर 2002 की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2014 जैसी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने महाकाव्य एक्शन डलहौजी, बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सलार भगवान सीजफायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 1998 में 2024 के साथ करियर की वापसी की गई थी। प्रभास एकमात्र अभिनेता जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की, हुए एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी है जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का शुद्ध आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त प्रभास मैडम तुसाद संग्रहालय में मांग की मूर्ति प्राप्त करने के पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता में प्राप्त की। और प्रभास ने जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास में चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता उपलब्धि सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। 3 बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति व तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमारावरम के पास मंगलथूर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DNRI हाई स्कूल भीमारावम से की है। इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की व सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम से पूर्व छात्र भी है और
प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआती की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडल ब्रांड ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं। वह सुपरस्टार बनने वाले और कई उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 में अपनी सफलता हासिल की जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। हुआ आबादी रगड़ू 2004 में दिखाई दी उसी वर्ष से, जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रभास ने उसी वर्ष से SS राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। यह एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 94 केंद्रों पर 100 दिनों तक चली। idolbrand.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया जिसे मिश्रित से लेकर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों ने के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना के अभिनय। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के बारे में। राधेश्याम यह फिल्म 2022 में की भारतीय प्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्णा कुमार ने लिखा है और निर्देशित किया। यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगू और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी हैं। 1970 के दशक की इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक युवा हस्त्र रेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उजलता हुआ होता है। फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस ने तैयार किया था, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने भी संगीत तैयार किया था। फिल्म में दो साउंड ट्रैक है, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मलिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरण ने तेलुगु गाने तैयार किए। छायांकन मनोज प्रहंस ने संभाला और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसने लंदन समय सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन स्क्रीन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधेश्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन के विशेष रूप से प्रभास और हेगड़े संगीत और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की और यह 214 करोड़ की कमाई और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। हालांकि 200 करोड़ से अधिक अपने विशाल बजट के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी और यह फिल्म अनुभवी अभिनेता कृष्णाम राजू की सितंबर 2022 में मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म थी और 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता और अस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने संत परहंस के शीर्ष आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा एक खूबसूरत और अनाड़ी हुआ डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं और लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है, जब आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन पा सकता और जो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ
इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता हुआ उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा दीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं, और जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वह एक अजनबी से उसे अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज के साथ एथलीट पढ़ने के अनुरोध करता, वह भविष्यवाणी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में सभी लोग अपने हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम के बाद ट्रेन का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी बताते हैं, प्रेरणा जब अब वो अपने जीवन के प्रति आशावान है, दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज के और केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का प्रशिक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल देते हैं जो और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उसे उत्साहित प्रेरणा आदित्य का प्रपोज करती है, और हालांकि वह उसे यह कलाकार अस्वीकार कर देता है। वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ और लग जाती है और उसे पता चलता है कि आदित्य उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बॉलरूम डांस में ले जाता और दोनों रातों को अंतरंगता से बिताते हैं। और प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह सुरक्षा से एक कार दुर्घटना की शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य जो अपनी माँ का डांस शो के लिए लंदन में डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है और वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा उसमें से जीने का आग्रह करता है जिससे जल्द ही मिलने का वादा प्रेरणा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता तो उसकी मुलाकात तारा से होती है, जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। और वह आदित्य से कहती है कि चूँकि अब उसके पास हथेली नहीं है इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति के अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है, जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुँचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता है और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य और प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है। और कहानी की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलेटी ने की थी। उन्होंने अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने में विफल रहने के बाद विचार को छोड़ दिया गया।
कुमार ने एलएटी से कहानी उधार ली और कहानी संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक पर इस पर उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। कुमार शुरू में कहानी को भारत के किसी हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। रोमांटिक ड्रामा 1970 के दशक के यूरोप में घटित होता है और कुमार ने खुलासा किया कि नायक के विक्रमादित्य चरित्र वास्तविक जीवन का यूरोपीय हस्तरेखाविद कीरो से प्रेरित है। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ लिया गया था। हेगड़े ने फिल्म को एक ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा है और अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। और जॉन और ओडियर सहित कई शीर्षकों पर फिल्म के लिए विचार किया गया था। राधे श्याम को अंतिम रूप देने से पहले, जो हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच प्रेम का प्रतीक है। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद, टूरिन और जॉर्जिया में हुआ था, और जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फल्कनुमा प्लेस में कई दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 के हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास एक विशेष दृश्य को वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकी का उपयोग करके भारत में शूट किया गया था। फिल्मांकन इसे 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ और इन्होंने इस फिल्म में यह फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम थे। हिंदी साउंड ट्रैक और मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित, जबकि जस्टिन प्रभाकरण तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्णकांत क्रमशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। राधेश्याम 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। लेकिन जनवरी की शुरुआत में यह वी क्रिएशंस ने घोषणा की कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया, और फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थ्रिटिकल राइटर्स की बिक्री से 210 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस में किया गया था। फिल्म के सेटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले अपने निर्माताओं को सेटेलाइट और डिजिटल अधिकार से 200 करोड़ रुपये की भारी रकम दिलाई। फिल्म 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई और हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध थी। और उन्होंने इस फिल्म में यह समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 10% आलोचनात्मक की 20% समीक्षा सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 रही। डेकन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी और अभिनय विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्ति हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षा मिश्रित स्थिति और DNA इंडिया और द इंडियन के एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक थी, जिसमें कहा गया कि लेखन और कथन की आलोचना की गई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया कि समीक्षा नकारात्मक थी। और द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखती की और कैसे प्यार भाग्य को जीतता है। द न्यूज मिनट की समय राजेंद्रन ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी के साथ
पसंद करने योग्य है। वे राधे श्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, जिनके नाम पर फिल्म का शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेटिंग दी और रेटिंग जोड़ लिखा कि पूजा को प्रभास के बीच की फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम कहानी में बाधा डालती है। वीएफएक्स प्रशंसा के योग्य को और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में इफाजा करता। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की या इसके आधार पर बहुत संभावनाएं। हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइनर के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। पिंकी विला के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी। रेटिंग जोड़ लिखा कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है, लेकिन जब लेखन विफल हो जाता है तो वे हतोत्साहित तो देखते हैं। दमन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने नवीनता में कमी की थी और डेकन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और रेटिंग दी और लिखा कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधे श्याम को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। और NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच इस फिल्म में यह इनकी एक ऐसी पटकथा के साथ जोड़ा गया है जो उनके पैतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह देती है। अंतिम परिणाम भयावह है और इंडिया हेराल्ड के सीबी जिया ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म का पहला भाग कलात्मक और दृश्य रूप से आश्चर्यजनक है, दूसरा भाग सुंदरता था चेहरे पर धीमी और जटिलता भली। फिल्म वास्तव में खराब नहीं है, फिर भी ऐसा लगा कि हमने अपने पैसा और समय बर्बाद किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास स्टारर हमें निकलने, हुक करने, लाइन करने और बहुत कुछ करने की उम्मीद करती है और हम लगातार अपने जबड़े फर्श से इकट्ठा कर रहे हैं। और द हिंदू की संगीता देवी टुंडू ने कहा कि उथली कहानी और निरस पटकथा राधेश्याम को एक बहुत बड़ा बोर बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म रोमांस गाने भी फेक्स भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं है। News 18 के सोनील दोदिया ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो एक समय में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन में दुनिया भर में से कुल 79 करोड़ की कमाई की अधिक की और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपये हो गया। 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। पिंकविला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में करोड़ों की कमाई की और फिल्म के लिए करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माताओं ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के अनुसार फिल्म को दुनिया भर में अब तक का संग्रह करोड़ों रुपये के काफ़ी नीचे और फिल्म के पहले सोमवार पर या के साथ इसके साथ कलेक्शन में भारी गिरावट की गई थी। प्रभास का जन्म वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू का जन्म 23 अक्टूबर 1979 जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और 2015 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची में शामिल है। मीडिया में रिवील स्टार के रूप में संदर्भित वह 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 SIIMA पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ड्रामा ईश्वर 2002 की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2014 जैसी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने महाकाव्य एक्शन डलहौजी, बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सलार भगवान सीजफायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 1998 में 2024 के साथ करियर की वापसी की गई थी। प्रभास एकमात्र
अभिनेता जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। वे एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी हैं जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का शुद्ध आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त प्रभास मैडम तुषार संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने के पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता में प्राप्त की। और प्रभास ने जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास में चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता प्लाती सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। 3 बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति व तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमारावरम के पास मंगलथूर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DNRI हाई स्कूल भीमारावम से की है। इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से BTEC की व सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम से पूर्व छात्र भी है। और प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआत की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडल ब्रांड ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं। वह सुपरस्टार बनने वाले और कई उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 में अपनी सफलता हासिल की जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। हुआ आबादी रगड़ू 2004 में दिखाई दी उसी वर्ष से, जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रभास ने उसी वर्ष से SS राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। यह एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 94 केंद्रों पर 100 दिनों तक चली। idolbrand.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया जिसे मिश्रित से लेकर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों ने के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना के अभिनय। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के बारे में। राधेश्याम यह फिल्म 2022 में की भारतीय प्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्णा कुमार ने लिखा है और निर्देशित किया। यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी है। 1970 के दशक की इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक युवा स्तर रेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उजलता हुआ होता है। फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस ने तैयार किया था, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने भी संगीत तैयार किया था। फिल्म में 2 साउंडट्रैक है, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मलिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरण ने तेलुगु गाने तैयार किए। छायांकन मनोज परहंस ने संभाला और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसने लंदन समय सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन स्क्रीन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधेश्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन के विशेष रूप से प्रभास और हेगड़े संगीत और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की और यह 214 करोड़ की कमाई और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। हालांकि 200 करोड़ से अधिक अपने विशाल बजट के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी और यह फिल्म अनुभवी अभिनेता कृष्णम राजू की सितंबर 2022 में मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म थी और
1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता और अस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने संत परहंस के शीर्ष आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा एक खूबसूरत और अनाड़ी हुआ डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है। जब आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन पा सकता और जो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती है और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता हुआ उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा दीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं, और जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वह एक अजनबी से उसे अपनी बेटी तारा जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज के साथ हथेली पढ़ने के अनुरोध करता है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में सभी लोग अपने हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम के बाद ट्रेन का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा जो अस्तरेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी बताते हैं। प्रेरणा जब अब वो अपने जीवन के प्रति आशावान है, दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज के और केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का प्रशिक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल देते हैं जो और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उसे उत्साहित प्रेरणा आदित्य का प्रपोज करती है, और हालांकि वह यह उसे यह कलाकार अस्वीकार कर देता है। वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ और लग जाती है और उसे पता चलता है कि आदित्य उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बॉलरूम डांस में ले जाता और दोनों रातों को अंतरंगा से बिताते हैं। और प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह सुरक्षा से एक कार दुर्घटना की शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य जो अपनी माँ का डांस शो के लिए लंदन में डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है और वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा उसमें से जीने का आग्रह करता है जिससे जल्द ही मिलने का वादा प्रेरणा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता तो उसकी मुलाकात तारा से होती है जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। वह आदित्य से कहती है कि चूंकि अब उसके पास हथेली नहीं इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है,
प्रकृति की शक्ति के अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है, जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुँचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता है और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य और प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है और कहानी की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलेटी ने की थी। उन्होंने अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने में विफल कराने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। कुमार ने एलएटी से कहानी उधार ली और कहानी संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक पर इस पर उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। कुमार शुरू में कहानी को भारत के किसी हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। रोमांटिक ड्रामा 1970 के दशक के यूरोप में घटित होता है और कुमार ने खुलासा किया कि नायक के विक्रमादित्य चरित्र वास्तविक जीवन का यूरोपीय हस्तरेखाविद कीरो से प्रेरित है। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ लिया गया था। हेगड़े ने फिल्म को एक ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा है और अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है और जॉन और ओडियर सहित कई शीर्षकों पर फिल्म के लिए विचार किया गया था। राधे श्याम को अंतिम रूप देने से पहले, जो हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच प्रेम का प्रतीक है। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद, टूरिन और जॉर्जिया में हुआ था और जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फल्कनुमा प्लेस में कई दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 के हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास एक विशेष दृश्य को वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकी का उपयोग करके भारत में शूट किया गया था। फिल्मांकन इसे 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ और इन्होंने इस फिल्म में यह फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम थे। हिंदी साउंड ट्रैक और मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित, जबकि जस्टिन प्रभाकरन तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्णकांत कर्मशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। राधेश्याम 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। लेकिन जनवरी की शुरुआत में यह वी क्रिएशंस ने घोषणा की कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया और फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थ्रिटिकल राइटर्स की बिक्री से 210 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस में किया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले अपने निर्माताओं को सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार से 200 करोड़ रुपये की भारी रकम दिलाई। फिल्म 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई और हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध थी। और उन्होंने इस फिल्म में यह समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 10% आलोचनात्मक की 20% समीक्षा सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 रही।
डेकन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी और अभिनय विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्ति हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित स्थिति और डीएनए इंडिया और द इंडियन के एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक थी, जिसमें कहा गया कि लेखन और कथन की आलोचना की गई थी, और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया कि समीक्षा नकारात्मक थी, और द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखती कि और कैसे प्यार भाग्य को जीतता है। द न्यूज मिनट की समय राजेंद्रन ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी के साथ पसंद करने योग्य है, वे राधे श्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, जिनके नाम पर फिल्म का शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेटिंग दी और रेटिंग जोर लिखा कि पूजा को प्रभास के बीच की फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम कहानी में बाधा डालती है, वीएफएक्स प्रशंसा के योग्य को और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में इफाजा करता। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की यह इसके आधार पर बहुत संभावनाएं, हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइनर के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। पिंकी विला के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी, रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है, लेकिन जब लेखन विफल हो जाता है तो वे हतोत्साहित तो देखते हैं। दमन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने नवीनता में कमी की थी और डेकन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और रेटिंग दी और लिखा कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधे श्याम को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। और एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच इस फिल्म में यह इनकी एक ऐसी पटकथा के साथ जोड़ा गया है जो उनके पैतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह देती है। अंतिम परिणाम भयावह है और इंडिया हेराल्ड के सीबी जिया ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म का पहला भाग कलात्मक और दृश्य रूप से आश्चर्यजनक है, दूसरा भाग सुंदरता था चेहरे पर धीमी और जटिलता भली। फिल्म वास्तव में खराब नहीं है, फिर भी ऐसा लगा कि हमने अपने पैसा और समय बर्बाद किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास स्टारर हमें निकलने, हुक करने, लाइन करने और बहुत कुछ करने की उम्मीद करती है और हम लगातार अपने जबड़े फर्श से इकट्ठा कर रहे हैं। और द हिंदू की संगीता देवी टुंडू ने कहा कि उथली कहानी और निरस पटकथा राधेश्याम को एक बहुत बड़ा बोर बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म रोमांस गाने भी फेक्स भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं है। न्यूज 18 के सोनील दुदिया ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो एक समय में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन में दुनिया भर में से कुल 79 करोड़ की कमाई की अधिक की और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपये हो गया। 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। पिंक विला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में करोड़ों की कमाई की और फिल्म के लिए करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माताओं ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के अनुसार फिल्म को दुनिया भर में अब तक का संग्रह करोड़ों रुपए के काफ़ी नीचे और फिल्म के पहले सोमवार पर या के साथ इसके साथ कलेक्शन में भारी गिरावट की गई थी। प्रभास का जन्म वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू का जन्म 23 अक्टूबर 1979 जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और 2015 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सह सूची में शामिल है। मीडिया में रिवील स्टार के रूप में संदर्भित वह 20 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, 1 नंदी पुरस्कार और 1 SIIME पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं।
प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ड्रामा ईश्वर 2002 की और बाद में एक्शन रोमांस वर्षम 2004 से सफलता हासिल की। उन्होंने छत्रपति 2005, बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2013 जैसी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें बाद वाले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने महाकाव्य एक्शन डलहौजी, बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली टू द कंक्लूजन 2017 में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थोड़े समय की गिरावट के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा सलार भगवान, सीजफायर 2023 और साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 1998 में 2024 के साथ करियर की वापसी की गई थी। प्रभास एकमात्र अभिनेता जिनकी 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की, हुए एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेता भी है जिनकी 6 फिल्मों ने हिंदी बाजार में 100 करोड़ का शुद्ध आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त प्रभास मैडम तुषाद संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने के पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता में प्राप्त की। और प्रभास ने जन्म 23 अक्टूबर 1979 को मद्रास में चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता उपलब्धि सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के घर हुआ था। 3 बच्चों में सबसे छोटे उनके एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति व तेलुगु फिल्म अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमारावरम के पास मंगलथूर से है। प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DNRI हाई स्कूल भीमारावम से की है। इसके बाद उन्होंने नालंदा कॉलेज हैदराबाद से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से BTech की व सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम से पूर्व छात्र भी है। और प्रभास ने 2002 की एक्शन ड्रामा ईश्वर से अपनी शुरुआत की। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र के साथ काम किया, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि आइडल ब्रांड ने कहा कि प्रभास इस फिल्म में इतने अच्छे हैं कि आप इसे केवल उनके लिए देख सकते हैं। वह सुपरस्टार बनने वाले और कई उन्हें बस सही निर्देशक और सही ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने एक्शन रोमांस वर्षम 2004 में अपनी सफलता हासिल की, जो एक ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक रही। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। हुआ आबादी रगड़ू 2004 में दिखाई दी उसी वर्ष से, जिसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रभास ने उसी वर्ष से SS राजामौली की एक्शन ड्रामा छत्रपति में गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। यह एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और 94 केंद्रों पर 100 दिनों तक चली। idolbrand.com ने कहा कि उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक अनूठी शैली और मर्दाना आकर्षण था। छत्रपति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2006 में प्रभास ने संगीतमय नाटक पूर्णिमा में अभिनय किया, जिसे मिश्रित से लेकर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कलाकारों ने के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा योगी और मुन्ना के अभिनय